अभी अभी मुंडू अनुमंडल के इस प्रांगण में हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं, कुंदन पाहन की जयकारा लगा रहे हैं, कुंदन पाहन की जिंदाबाद जिंदाबाद लगा रहे हैं। और हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कुंदन पाहन का जयकारा लगा रहे हैं, कुंदन पाहन जीतेगा कि कहीं ना कहीं कुंदन पाहन एक मोस्ट वांटेड एरिया का रहा है और मोस्ट वांटेड रहने के बावजूद भी हजारों लोगों की तादाद यहाँ पर है। तो जानते हैं, मानते हैं कि कुंदन पाहन कहीं ना कहीं एक अच्छा लीडर हो सकता है और एक बेहतर लीडर हो सकता है। कहीं ना कहीं आलोक में दहशत था, आज वापस एक अच्छा नीति लेकर के आ सकता है। कुछ लोगों से जानते हैं हम, कुंदन पाहन को आप किस नज़र से देखते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हैदर खान है। वो पाहन को आप किस लीडर के रूप में देख रहे हैं? बहुत अच्छे हैं। जब वो राजनीति में नहीं थे तब भी वो बहुत विकास किए हैं। कुंदन पाहन एक इस एरिया के मोस्ट वांटेड गुरुवादी रहा है और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए काम किया है, अच्छे काम किया है। और कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि कुंदन पाहन को जो तुनका है ये मानती है कि कुंदन पाहन लीडर। तो किस किस नज़र से आप कुंदन पाहन को अच्छा मानते हैं? सर वो अच्छा अच्छा काम किया, गरीबों को हमेशा भलाई के लिए काम किया है। शिव कुमार नाम है सर मेरा। जब भैया सत्ता में नहीं थे तब लोगों का इतना किया है, सत्ता में आएंगे तो सब के लिए करेगा सर। आज लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं दहशत का है, लेकिन कुंदन पाहन की जयकारा लोग। कुंदन पाहन इस एरिया में एक दहशत था लेकिन आज राजनीति में कदम रख रहा है और कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो आप किस नजर से देखते हैं उनको? हम लोग इस नज़र देखते हैं कि क्यों चाहते हैं विधायक इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि हम लोग समझते हैं कि हम लोग किस तरह का काम चाहिए, किस तरह करना चाहिए। हम लोग शाहिद नाम हो मेरा। अच्छा, अब बहुत सारे तुनका यहाँ पर हैं जो कुंदन पाहन को अपना लीडर मानती है और लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं कुंदन पाहन जो है वो गाँव का आदमी है और हर आदमी के दर्द को समझता है, लेकिन लोग समझते हैं कहीं ना कहीं कुंदन पाहन को लोग एक उग्रवादी के रूप में देखते हैं। आप कहां से आए? मुंडू से आए। आप किनके पक्ष में हैं? हम कुंदन पाहन के पढ़ते हैं। अच्छा, कुंदन पाहन को आप किस रूप में देखते हैं? कुंदन पाहन को एक उग्रवादी लोग मानते हैं और कहीं ना कहीं लोगों के समाज में एक भाव है कि किस प्रकार से नेता हो, तो कुंदन पाहन को आप किन किन बातों को लेकर के अच्छा मानते हैं? पाहन पहले जैसा भी थे, अब उनका सामाजिक काम करने के लिए वो उतला है। और अभी बहुत सारा तुनका आप देख सकते हैं यहाँ पर कुंदन पाहन की जय जय मतलब जिंदाबाद का नारा लगा रहे। कुंदन पाहन एक उग्रवादी रहा था और क्षेत्र में लोगों को भय था, लेकिन आज अच्छा, बहुत अच्छा इंसान था। लेकिन भाई अच्छा इंसान बनाया गया है, उसे बनाया गया है। हाँ, जेल में थे, साथ में थे हम जेल में। आप लोग कितना मानते हैं उनको? बहुत मानते हैं। लीडर कुंदन पाहन जैसा होना चाहिए। हाँ, कुंदन पाहन ये बहुत ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार कुंदन पाहन का समर्थक बाहर में खड़े हैं और कुंदन पाहन को अपना लीडर के रूप में देखना चाहती है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इसाफुल हक। कुंदन पाहन को आप किस रूप में देखते हैं? बहुत अच्छा इंसान के रूप में देखते हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अच्छा, ये कहते हैं कि कुंदन पाहन बहुत अच्छे इंसान थे और निश्चित रूप से आज जनता की जो भीड़ है वो बता रही है कि कुंदन पाहन जैसा लीडर होना चाहिए ताकि लोगों का जन आज जो राजनीति में कदम रख रहे हैं। और कैसा उम्मीद करते हैं आप उनसे? बहुत अच्छा उम्मीद करते हैं। हम लोग विधानसभा में वही एक अच्छी नेता होगा जो चलाएगा, ये कहना चाहते हैं। चला चुका है। हाँ, कभी कोई बात ही नहीं था, वो बहुत अच्छा काम करता था। ये कहना है कि बुंडू की जनता कुंदन पाहन यहाँ पर इसको रोड अच्छा से नहीं बन रहा है, यहाँ 12 साल से आदमी लोग बनाने नहीं सक रहा। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हैदर। ये बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो कुंदन पाहन के समर्थक हैं और वो कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं ये जो निश्चित रूप से कुंदन पाहन की बात यहाँ पर कर रहे हैं। हम एक दो और साथी से बात करना चाहते हैं। कुंदन पाहन जैसा हो, ये पूरा तुनका आप देख सकते हैं कुंदन पाहन की बात कर रही है। लोग कहते हैं कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम करेंगे और इसी उम्मीद के साथ ये सारे लोग तमाम लोग समर्थक यहाँ पर उपस्थित हैं और उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। आप बने रहिए आशीष न्यूज़ के साथ।